सभी को नमस्कार। एमआरसी केमिस्ट्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था परमाणु, क्या चल रहा था परमाणु, और इसके अंतर्गत अपने जो परमाणु क्या होता है, परमाणु के मूलभूत अवयव कौन से होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, उस पर कैसा आवेश पाया जाता है वो अपन ने कर लिया था। इनकी खोज किसने की थी, जनरल बात अपन ने कर ली थी, और इससे संबंधित जो सर्वप्रथम परमाणु वाद दिया था डाल्टन ने, वो अपन ने कर लिया था। और डाल्टन ने जो परमाणु वाद दिया था उसमें जनरल बात बताई, परमाणु एक अविभाज्य कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की इकाई होती है। इस संबंध में इतना अपन ने अध्ययन कर लिया था, परंतु जैसे ही परमाणु के जो उपअवयव कण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज हुई, तब सब 1897 में जैसे ही इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, उस समय जो डाल्टन का जो परमाणु वाद था कि परमाणु अविभाज्य है, यह उदाहरण में सत्यता नहीं पाएगी, और उस संबंध जो परमाणु के जो उपअवयव कण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनकी स्थिति की व्याख्या करने के लिए जो सिद्धांत दिए गए, जो मॉडल दिए गए, उनको कहते हैं परमाणु मॉडल। और ये परमाणु मॉडल भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय अपने अपने मत प्रस्तुत किए। तो इन संबंधित जो परमाणु उपअवयव कण है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनकी स्थिति का निर्धारण करने के लिए जो मॉडल प्रस्तुत किया, जिन्हें बोलते हैं परमाणु मॉडल। तो अपना टॉपिक रहेगा परमाणु मॉडल। एटॉमिक मॉडल, परमाणु मॉडल, एटॉमिक मॉडल, इसे परमाणु सिद्धांत भी कह दीजिए, परमाणु अवधारणा कह दीजिए, एक ही बात है। तो भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय पर परमाणु मॉडल प्रस्तुत किए, और उसमें सबसे पहले परमाणु मॉडल प्रस्तुत करने वाले थे वो वैज्ञानिक थे जे जे थॉमसन। नंबर दो थे रदरफोर्ड, नंबर दो पर पढ़ेंगे रदरफोर्ड परमाणु मॉडल। नंबर तीन पर दिया था बोर ने, नील्स बोर वैज्ञानिक, कुछ नहीं था तो होगा बोर परमाणु मॉडल, बोर परमाणु मॉडल। और नंबर चार पर दिया था सोमरफेल्ड परमाणु वैज्ञानिक, कुछ नहीं आता था सोमरफेल्ड परमाणु मॉडल। तो अगर आपसे कहीं कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम परमाणु वाद किसने दिया था, तो आपको टिक करना होगा सर्वप्रथम परमाणु वाद देने वाले वैज्ञानिक थे डाल्टन। क्वेश्चन आता है सर्वप्रथम परमाणु मॉडल देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो आपको देना होगा जे जे थॉमसन। तो सर्वप्रथम परमाणु मॉडल या परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, जे जे थॉमसन। नंबर दो थे रदरफोर्ड, नंबर तीन पर थे बोर्न, और नंबर चार थे सोमरफेल्ड परमाणु मॉडल। ठीक है, तो सबसे पहले आज अपन करेंगे थॉमसन परमाणु मॉडल। तो नंबर एक अपना थॉमसन परमाणु मॉडल, बात फुल फॉर्म के तो वैज्ञानिक का नाम था जे जे थॉमसन। क्या नाम था? जे जे थॉमसन। तो जे जे थॉमसन ने उसने परमाणु सिद्धांत दिया था 1803 से 1808 तक चला, और 1808 में इसका फाइनल हुआ। तो थॉमसन परमाणु कब दिया गया, 1808 में। ठीक है, बात इसके उपनामों करें तो इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। प्लम पुडिंग मॉडल, या इसे रेजिन मॉडल भी कहते हैं, इसे रेजिन मॉडल भी कहते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखिए, भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसे तरबूज मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तरबूज मॉडल। थॉमसन परमाणु मॉडल या प्लम पुडिंग परमाणु मॉडल या रेजिन मॉडल,
भारतीय परिप्रेक्ष्य में तरबूज मॉडल भी कहते हैं। तो होता क्या है, थॉमसन ने क्या कहा कि जो परमाणु होता है एक धन आवेशित गोला होता है, परमाणु एक धन आवेशित गोला होता है, जैसे धन आवेशित गोला, परमाणु एक धन आवेशित गोला होता है और इसके अंदर ऋण आवेश कौन है, इलेक्ट्रॉन समान रूप से वितरित होते हैं। यह था अपना थॉमसन परमाणु मॉडल। ये ऋणावेश किसको प्रदर्शित करेंगे, इलेक्ट्रॉन को, ऋणावेशित कण समान रूप से वितरित ऋणावेश किसको प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रॉन को। तो ये था अपना थॉमसन परमाणु, कि परमाणु धनावेशित गोला होता है और इसमें जो ऋणावेशित कण समान रूप से वितरित होते हैं, ठीक है। यह धनावेशित, ये ऋणावेश इलेक्ट्रॉन इसमें वितरित होते हैं, यह अपना थॉमसन परमाणु मॉडल। इसको प्लम पुडिंग, प्लम पुडिंग मॉडल इसलिए, अरेजिंग मॉडल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको आप एक लड्डू के उदाहरण से समझा सकता है, जैसे बूंदी के लड्डू से समझा सकता है, उसमें इलायची के दाने हैं वो किसको प्रदर्शित करते हैं, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन को, इसलिए प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर इसको तरबूज मॉडल भी कहा जाता है, ठीक। तो यह था अपना थॉमसन परमाणु मॉडल, ठीक। बात इसकी कमियों की करें, इसकी कमियां की, तो आता है थॉमसन परमाणु मॉडल की कमियां। तो इसका मेन कमी थी कि जो अपना थॉमसन परमाणु मॉडल था इसका कोई प्रायोगिक सत्यापन नहीं निकला, कोई इसका प्रायोगिक आधार नहीं था, इसकी वजह से यह मॉडल अस्तित्व में नहीं रहा। और मेन इसकी जो दूसरी कमी थी, यह मॉडल होता है परमाणु के स्थायित्व, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका, क्योंकि इसमें उन्हें कहा था कि समान रूप से ऋणावेश वितरित होंगे, तो समान रूप से इसमें ऋणावेश वितरित, तो समान आवेश के बीच क्या लगता है, प्रतिकर्षण लगता है, प्रतिकर्षण की वजह से नष्ट हो जाना चाहिए था, यानी उसका स्थायित्व नहीं होना चाहिए था, जबकि इसे इसकी स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। यह था अपना थॉमसन परमाणु मॉडल। इससे संबंधित मैंने आपके जो परमाणु वाद था डोल्टन का, उससे संबंधित मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कल, और क्वेश्चन में पूर्ण विश्वास है आपने सभी ने सॉल्व किया होगा। और क्वेश्चन था परमाणु के संबंध में सार्वभौमिक सत्य है, क्वेश्चन था परमाणु के संबंध में सार्वभौमिक सत्य है, उसमें ए ऑप्शन में मैं लिखा था अविभाज्य है, अविभाज्य कण है, ठीक। नंबर दो लिखा था रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, सी ऑप्शन में लिखा था स्वतंत्र अस्तित्व संभव है, और डी में मैंने आपको लिखा था उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन था बना परमाणु के संबंध में सार्वभौमिक सत्य है, ए में ऑप्शन था अविभाज्य कण है, बी ऑप्शन था रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है या रासायनिक अभिक्रिया की इकाई होती है, सी था स्वतंत्र अस्तित्व संभव है, और डी था उपरोक्त सभी। ज्यादातर स्टूडेंट करते इसका उपरोक्त सभी, जबकि आंसर गलत है। कारण क्या है कि ये अविभाज्य कण है, तो जैसे ही 1897 इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, इसका मतलब तो ये परमाणु तो उप परमाणु कणों से मिलकर बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इसमें होते हैं, इसका मतलब ये आगे विभाजित हो सकता है, इसका मतलब यहां से अपना कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही अपना अविभाज्य कण है ये कैंसिल हो जाता है, इसका मतलब इसका स्वतंत्र अस्तित्व संभव है, इसका मतलब नहीं है, तो ये भी अपना कैंसिल हो जाएगा। जब ये दो कैंसिल हो गए, इसका उपरोक्त सभी, इसका मतलब ये भी अपना क्या हो गया, कैंसिल। तो इसका राइट आंसर रासायनिक अभिक्रिया की इकाई है। यह था अपना पहला परमाणु मॉडल, थॉमसन परमाणु मॉडल। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।